एक बहुत राज की बात बता दूं, एक राइट प्रोसेस से चलोगे तभी आपका पैन सरेंडर हो पाएगा। अब पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इंडियन कानून के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना अलाउड नहीं है। यानी जिस पैन कार्ड को आप अपने पास रखने वाले हैं उसे अपने आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए और एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर कर दीजिए। आज के वीडियो में हम 5 सवालों के जवाब जानने वाले हैं, और वो सवाल हैं, नंबर 1, पैन कार्ड को सरेंडर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या 2 पैन कार्ड रखने पर कोई पेनल्टीज है? पैन कार्ड की सरेंडर एप्लीकेशन फाइल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है? ये बातें बहुत ध्यान देने वाली है कि पैन कार्ड को सरेंडर करने का सही प्रोसेस क्या है, यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। 5वां सवाल आता है, पैन सरेंडर के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, और उन सभी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। एक बहुत जरूरी बात बताता हूं कि पैन कार्ड को सरेंडर सिर्फ ऑफलाइन किया जा सकता है, ऑनलाइन सरेंडर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन और कॉम्प्लीमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, इसलिए वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। आइए अब शुरू करते हैं। पैन को सरेंडर करने की जरूरत 2 केसेस में पड़ती है। नंबर 1, जब एक पर्सन के नेम पे एक से ज्यादा पैन कार्ड हो तो एक्स्ट्रा वाला पैन कार्ड सरेंडर करना होगा, या फिर किसी फर्म, कंपनी आदि ने अपने बिजनेस को बंद कर दिया हो तब भी हमें पैन कार्ड सरेंडर करना होगा। एक बहुत राज की बात बताता हूँ, आजकल डिपार्टमेंट पेनल्टीज बहुत लगा रहा है, और पेनल्टीज के बहुत सारे प्रोविजन है। उनमें से एक है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 272B, जिसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर नहीं किया तो 10,000 रुपए की पेनल्टीज के अलावा असेसिंग ऑफिसर कुछ फाइन भी लगा सकता है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैन कार्ड है तो जल्दी से सरेंडर कर दीजिए। गाइस, किसी भी पैन की सरेंडर एप्लीकेशन फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बातें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपके असेसिंग ऑफिसर कौन है और कहां बैठते हैं, क्योंकि जहां वो बैठते हैं वहीं पर आपको पैन सरेंडर एप्लीकेशन डिपॉजिट करनी है। दूसरा, आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स की डिमांड तो नहीं है, कोई स्क्रूटनी केस तो आपके ऊपर नहीं चल रहा? यदि कोई डिमांड या कोई स्क्रूटनी केस आपके ऊपर नहीं है तभी आप पैन कार्ड को सरेंडर कर पाएंगे, एल्स इट इज नॉट पॉसिबल। और इन सब बातों के जवाब जानने के लिए आप अपने पैन से इनकम टैक्स साइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन कर लें। तो गाइज, इनकम टैक्स में लॉग इन करने के बाद आपको 3 चीजें यहां से मालूम करनी है कि आपके असेसिंग ऑफिसर का कोड क्या है, और कौन से वार्ड में आपका पैन कार्ड फॉल करता है, या आपके ऊपर कोई डिमांड तो नहीं है, या आपके ऊपर इनकम टैक्स की कोई स्क्रूटनी केस तो नहीं चल रहा। इस चीज के लिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, और ये फोटो जैसी इमेज है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ ज्यूरिसडिक्शन डिटेल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका पैन कौन से वार्ड के अंदर फॉल करता है, और आपके ऑफिसर कहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको अपनी पैन सरेंडर एप्लीकेशन फाइल करनी है। इसके अलावा आप यहाँ से 5वां ऑप्शन है पेंडिंग एक्शन, यहाँ पर ऊपर से सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई डिमांड होती है तो अभी आप पैन कार्ड सरेंडर एप्लीकेशन फाइल मत कीजिएगा, पहले उस डिमांड को क्लियर कराइएगा। तीसरी चीज हमें यहाँ पर चेक करनी है ई प्रोसीडिंग, ये भी अगेन पेंडिंग एक्शन के अंदर ई प्रोसीडिंग ऑप्शन आता है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो अगर यहाँ पे आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स स्क्रूटनी केस चालू है तो यहाँ पर उसका डिटेल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ दोनों ही केस के अंदर 0 लिखा हुआ है, मीन्स कोई भी इनकम टैक्स स्क्रूटनी केस चालू नहीं है। अगर कोई केस चालू नहीं है तभी आप पैन सरेंडर एप्लीकेशन फाइल करें, और कोई इनकम टैक्स स्क्रूटनी केस चालू है तो पहले उस केस को क्लोज कराएं, उसके बाद सरेंडर एप्लीकेशन फाइल करें। अगर सब कुछ सही मिले तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। एक राइट प्रोसेस से चलोगे तभी आपका पैन सरेंडर हो पाएगा, अदरवाइज आप कितनी भी कोशिश कर लें पैन कार्ड सरेंडर नहीं होगा। और सही प्रोसेस है कि सबसे पहले इनकम टैक्स साइट से सारी जानकारी ले लें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। फिर दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, फिर उनको इनकम टैक्स ऑफिसर के पास डिपॉजिट करें, और लास्ट में उसके 1 महीने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलें और सरेंडर का स्टेटस मालूम करें। अब पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? वे डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले पैन कार्ड सरेंडर कवर लेटर, नंबर 2 इंडेमनिटी कम एफिडेविट बॉन्ड, नंबर 3 ओरिजिनल पैन कार्ड, और लास्ट में लेटेस्ट इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी। इन सभी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप आसानी से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट के 3 सेट बनाएं,
दो सेट आपके इनकम टैक्स ऑफिसर के पास डिपॉजिट होंगे और एक सेट आपके पास ऑफिस कॉपी की तरह आपके रिकॉर्ड में रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस पैन कार्ड को सरेंडर करने का। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।